कंग्रेचुलेशन राशि जी। थैंक यू। तो बताइए हम अपनी डेट के लिए कहाँ जा रहे हैं? कैसी डेट? अरे वो 5 मिनट पहले तो तुमने हाँ कहा था। अच्छा हाँ वो एक बात कहो राशि, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम साथ साथ होंगे। हाँ लेकिन अगर हम कोई क्लासी जगह पे जाएंगे तो ही मैं चलूंगी, वरना मुझे नहीं आना। ठीक है, जहाँ तुम कहोगी हम वहीं चलेंगे। ठीक है, मुझे आज रात के डिनर के लिए सबसे पहले तैयारी करनी है, तो किचन में जाना है। वो कागज फिर से कहा? क्या कहा? अरे किंजल जी आप आ गए, कैसा रहा आप लोगों का मोदी भवन में? मजा आया? और फाई कहीं दिखाई नहीं दे रही, आई नहीं क्या? आ रही है, वो बाहर किसी से बात कर रही है। अच्छा वैसे किंजल जी आप थोड़ा परेशान नजर आ रही हैं, सब ठीक तो है ना? परेशान ना हो तो क्या करूं धवल जी, एक तो अच्छा भला कंपटीशन में हिस्सा लिया था और आपको पता है हम जीत भी सकते थे, लेकिन फई न जाने उनका दिमाग कहाँ अटका हुआ था और कंपटीशन के दौरान वो और राशि न जाने कहाँ का मंडरा रहे थे। अरे जब कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना था मुझे पहले कह देती, कम से कम मुझे नीचा तो नहीं देखना पड़ता। अरे हारी गया तो शू थाई गयू, इज्जत थोड़ी कम हो गई है, वैसे भी तेरी माँ भी हार गई है तो क्या उनकी इज्जत भी कम हो गई? हा? पहली बात के इन बातों के बीच में आप मेरी मम्मी का नाम मत लीजिए, और दूसरी बात मैंने क्या गलत कहा, आपने कंपटीशन में जरा भी दिलचस्पी दिखाई? अरे तमे लोगों पर इन छोटी मोटी मौज मजा मस्ती को इतना बड़ा नाम दे देते हो, क्या कहते हैं वो कंपटीशन? वही कंपटीशन। हाँ हाँ जो भी है। जब जब गलती करती हूँ आपने हमेशा मेरी गलती बताई है और मुझे ये भी सिखा दी है कि मैं उस गलती को कैसे सुधार सकूं। वैसे आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन काकी जी इस बार पहली बार मैं ये प्रतियोगिता जीत गई हूँ और मैंने अपने परिवार के लिए इतना कुछ अच्छा भी कर लिया है, तो आपको नहीं लगता कि मैं भी इनाम की हकदार हूँ? राशि कोकिला ये मजाक कर रही है। नहीं मोटा भाभी, राशि बिल्कुल ठीक कह रही है। पर कोकिला मोटा भाभी। हाँ राशि तो बोलो तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? वो आपने कहा था ना कि अगर प्रतियोगिता आप जीत जाएंगी तो आप गोपी को कुंदन का हार देंगी। बिल्कुल ठीक कहा। तो तो जीती तो मैं हूं।